रैपिड फायर राउंड है हमारा, तो नादिया से शुरू करेंगे। मजे मजे के जवाब। पहला सवाल नादिया से ये कि पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज का पायनियर होस्ट कौन है? मुझे ना इशारे से डरा दिया है मिजाज ने, मैं सोच समझ के बोलूं। अपना नाम लो। हाँ मैं अपना बोलूं? अच्छा मुझे कहते हैं वैसे, हाँ। लेकिन सेंसर मैं यही कह रहा हूँ, तारा साहब भी तो हैं, पीटीवी पे उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन मॉडर्न शोज में आई थिंक इट वाज यू। जी जी। वाज़न्ट मीना बाजार बिफोर यू? नो। आयशा सना का नहीं? वो आ रहे हो तो बहुत लेटर के मच लेते हो। अच्छा ओके ओके। ब्राइट करने वाला? हां ब्राइट करने वाली, वो तो उसके काफी काफी बाद। अच्छा पिकअप लाइन किसी ने यूज किया कभी कोई फ्लर्ट करते हुए, कोई ऐसी लाइन जो? पिकअप का क्या मतलब? ये नहीं ऐसे बस चलो किसी ने फ्लर्ट किया, उबर करीम वाले आते हैं। कोशिश की हो किसी ने कोई लाइन ऐसी बोली हो कभी फ्लर्ट करने की? हाँ मुझे तो लोग डर जाते होंगे ना, मुझसे बाकी बहुत डरते हैं और बोलती नहीं, और अगर कोई कहता है तो मैं बहुत बुरी तरह उसको सुनाती हूँ, बहुत बुरी तरह। बुरी बात है। एक बार हुआ था शो पे, किसी ने कोई अजीब बात की थी तो मैंने मतलब रुकवा के रिकॉर्डिंग, फिर मैंने सुनाई ना। असल में कभी कभी क्या होता है, गाइस थिंक दैट यू नो इट्स कूल इफ वी अप्रोच करते मुझसे डरते बहुत है। पिंडी में आई रिमेम्बर स्कूल कॉलेज के जमाने में लड़के मुझसे बहुत डरते थे कि यार ये टीवी पे आती है बोलती है बहुत ज्यादा बड़ी बेइज्जती कर देगी। नहीं 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 उसने कभी कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया, कोई लाइन वाइन नहीं यार नहीं कोई हुआ। ठीक है चलो और सोच सकते नहीं हुआ। ठीक है अच्छा अगर लिफ्ट में किसी एक आर्टिस्ट के साथ फंस जाओ ठीक है और बहुत घंटे फंसी रहो तो वो कौन होना चाहिए इन तीनों में से? नाम मैं एक मिनट नहीं सोच के रखा हुआ पहले फॉरन। हाँ। बोलने लगी थी कौन? फहीम बन्नी। वो क्यों? हंस हंस के पागल हो जाऊंगी, इतना वो एंटरटेन करते हैं मेरे फ्रेंड जो डायरेक्टर फहीम। अच्छा मेरे पास जो ऑप्शन थे जरा वो सुन लेना यार, समी खान, एजाज असलम, उमेर राना। क्या है? समी खान, एजाज असलम, उमेर राना। एजाज असलम ठीक है, एंटरटेन करता है। समी तो अपने फोन पे होगा। अच्छा तो पता भी नहीं होगा बाद में निकलेगा जब वो कितने घंटे बाद। बहुत लंबे अरसे से चल रही थी एक चीज, माई मदर पास्ड अवे, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें इश्यूज चल रहे थे कि मैं जब तक शोज किए मैंने बड़ा इंजॉय किया, और 2010 में ऐसा पीरियड आया कि व्हेन आई वाज जस्ट नॉट अ हैप्पी पर्सन, और उस वक्त बेस्ट होता है क्योंकि आप लोग, मैं जो चीज़ कहती आती थी कह देती थी शो पे, तो मैंने कहा इस वक्त मुझे टीवी पे आना नहीं चाहिए क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ गोइंग ऑन इन माय लाइफ, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ जिसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं मुझे आके टीवी पे नहीं किसी को बोलना चाहिए। आई जस्ट नीडेड टू हाइबरनेट फॉर सम टाइम। और ऑब्वियसली आप सारी जिंदगी ये काम तो नहीं कर सकते यार, लाइफ भी जैसी नहीं रहती, लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मैं तो बल्कि कहती हूँ जब भी आपके लाइफ में क्राइसिस हो ना आप थोड़ा साइड पे हो जाए, वरना बहुत गलत आप कुछ कह जाते हैं बोल जाते हैं, अकेले रहेंगे थोड़ा, यू नीड टू गिव योरसेल्फ टाइम टू हील। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट आल्सो स्ट्रॉन्गर, और वही हुआ कि उसके बाद माशाल्लाह जो मैं आई हूँ तो आई वाज सो मच बेटर, इतना पॉजिटिव आपके अंदर आ जाती है सब चीजें, एंड देन यू आर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। ठीक है, एनी एक्ट्रेस हु इज अ फैशन डिजास्टर? फैशन डिजास्टर एक्ट्रेस मुझे लगता सब बहुत जबरदस्त हमारे यहाँ तैयार होती हैं, कुछ डिजास्टर तो नहीं। माधुरी दीक्षित होती थी अपने जमाने में बहुत बुरी। ठीक है अब नहीं है, अब है, अब मेरे ख्याल उसने फाइनली को स्टाइलिस्ट रख लिया होगा, लेकिन पाकिस्तान में मुझे को इतना डिजास्टर नहीं, वो टाइम ऐसा ही था उस वक्त फैशन था नहीं, इस तरह ये तो नहीं थी डिजास्टर, हटके ही माधुरी कपड़े पहने। वो गाना याद है प्यार का तो फत, वो माधुरी कब थी उसमें? नहीं उसमें श्रीदेवी थी, वो भी थी, लेकिन माधुरी का के टाइम पे सब भाई श्रीदेवी जैसी हॉट औरत दुनिया में नहीं थी कोई, क्योंकि माधुरी का मैं बता रही हूँ उसके टाइम पे एक्ट्रेसेस अच्छे कपड़े पहनती थी, वो फिर भी ब्लू पिंक गोल्डन ऐसे पहनती थी ना, वो उसके साजन में कपड़े देखो बंदा परेशान। अब चेक करें जासो गाना कौन सा याद है प्यारे का, पता नहीं क्या उसी में इतने रंगीन और इतने चलो वो थोड़ा रिक्वायरमेंट थी, बॉक्स कपड़े थे सब। आई थिंक माधुरी हैड द वर्स्ट सेंस ऑफ फैशन एंड ड्रेसिंग अप एंड कलर्स ओके आई हैव एवर सीन, वर्स्ट ड्रेसिंग ओके।
यहाँ मुझे किसी के नहीं, आज माशाल्लाह सब बहुत समझता है। सबसे महंगा तरीन एक्सपेंसिव मेकअप किट अपने साथ हर वक्त रखती हो? हर वक्त मेरा पूरा जो बैग है ना वो लाखों का होगा भाई। अच्छा, मेरा मेकअप बहुत एक्सपेंसिव है और वो एक चाय वाला ना मेरे रूम में टी बॉय ना, मैंने उसे कहा कि मेरे रूम में कोई नहीं आएगा ना, बिल्कुल ना कोई आए, स्पेशली जब मैं ना हूँ शूटिंग के टाइम, तो वो टी बॉय वाला जब आती है ना ये दुबई से शूट पे आती है, सेट पे सीधा उसी दिन लैंड करती है, तो मुझे हर दफा एक नया गैजेट लेके आती है। हाँ, बिल्कुल। आप बालों का ये है, इसमें हवा खींच के बाल एक जाता है वहां से निकलता है तो वो ऐसा हो जाता है, सुन रहा होता हूँ क्या क्या। मुझे चाय वाला बच्चा पूछता है कि आपके बाजी को कुछ होता तो है नहीं कमरे में, ऐसे बैग बैग नहीं? मैंने कहा मेरा मेकअप बैग देखो बेटा, ये बहुत अभी एक नई चीज लाई हुई थी, वो क्या पाउडर जेल था। हाँ, जो पाउडर ऐसे बालों में करते हैं वॉल्यूम आता है, बालों का परफ्यूम भी लाई थी कोई, आए वो बेस्ट है। हाँ, हेयर परफ्यूम, क्या बात है यार, आजकल कैंडल्स आ रही हैं बड़ी मजे मजे की वो। लेकिन हाँ, मुझे गैजेट्स और ये चीजें जो है ना लेटेस्ट बहुत शौक है। ठीक है, जबरदस्त है। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।